अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खावर शरीफ। खावर भाई क्या करते हैं आप? मैं बीएस केमिस्ट्री कर रहा हूँ। कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा सवाल जो है वो पाकिस्तान के मारूफ शख्सियत से है, जिसे लाखों लोग देखते हैं, जानते भी हैं। ऑफ कोर्स मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अहमद जहां ज़ैब की। आप नहीं कर रहे, मैं भी परेशान था। अच्छा, जोक की टाइमिंग की आपने रेड लगाई बेटा। करिए सवाल। सर, आपसे आपकी एक दोस्त थी जिसका आपने हाथ पे नाम लिखा था। गहरे सवाल। लेकिन वो इनको कैसे पता? मुझे इन्होंने देखा होगा आपका हाथ कहीं नहीं। सवाल करें, सवाल। लेकिन वो नाम जो है वो बहुत बड़ा था, वो आपके हाथ पे नहीं आया था। है? तो आप जो है वो किसी और जगह पे भी लिख सकते थे। ये बात मैंने सोची नहीं। कहीं और भी लिख सकते थे, ये बाजू पे भी लिख सकते थे, या वो भी छोटा ही है। तो मैंने भाई बाजू पे ही लिखा था। बाजू बड़ा है भाई उनका। बाजू बड़ा है, बाजू पे लिखा था, उसका नाम बड़ा था। बाजू पे भी नहीं है। उसका नाम इतना बड़ा था कि वो यहाँ से शुरू हुआ तो आई थिंक उसके अल्फाबेट में यार नाम क्या बोलूं? ना नाम ना बता। नाम बता। लेकिन अहमद भाई रुक गया, नाम नहीं, बीच में ही रुक गया। भाई मैं भी बात करूं, मेरे गेस्ट हैं। तो मैं कह रहा था अहमद भाई, किस उम्र की बात थी ये? तकरीबन 20-22-25 साल इस तरह की। सही मैच्योरिटी के भाई, वो साजन के गाने और सारे सुन सुन के पगा ले। देखा है पहली बार आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने मतलब टैटू करा लिया पकड़ के ना? और मैंने लिखा भी कांटे से था, फोक नहीं होता, उससे लिखना शुरू किया था। वैसे ये बहुत गलत हरकत है। हाँ, ये नहीं करो। और ये किसी को भी एडवाइस नहीं करते। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया? बस वो था एक फ्रेम ऑफ माइंड। बहुत सारी पिक्चरें देखी है लाइफ में, तो उसके साथ सबने कुछ ऐसा किया हुआ है, सर माइंड नहीं इन चीजों पे। मगर सर जो वो जो उस नाम के आगे ना आके एच और ए फंसा था ना, उस पर तो सोच रहा था कि मैं क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, नहीं नहीं, स्पेलिंग लंबी थी तो समझ लें, एक जगह पे आके उसके एच ए एंड के अंदर आता है। हाँ, तो एच ए हथेली पे बन रहा था, यहाँ से तो शुरू किया था, मगर एच ए हथेली तक आ गई थी। हथेली तक बात आ गई थी। अल्लाह, तो बस वो सही, वो खत्म हो गया। वो तो खत्म, क्योंकि कांटे से लिखा था ना, तो इतना ज्यादा अब तक रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमाम बख्श। इमाम बख्श, क्या करते हैं आप? एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? सेक्रेटरी हैं क्या आप? जी, शौक है। शौक है आपको? कोई सवाल करेंगे हमसे? सरेकी शहर है, तभी समझ आ जाएगी। सरेकी शहर है, एक तराई की शहर है आपके जी, पास जी। आताओ, अहमद जानजेब के लिए, मेरे लिए, या बांट ले हम दोनों? एक बांट ले आप दोनों, एक मिसरा मेरा, एक मिसरा आपका, ठीक है? तू जो वादी निखड़े हैं थ्याते कुछ कहनी, मेरी दुनिया उजड़ गई है बचाते कुछ कहनी। बाद निखणान ए कुछ मिले जानी, बाद निखणान ए कुछ मिले जानी, एक मेरी सिगरेट है एक तेरी तस्वीर है कुछ कहनी। चारपाई में बैठ के लिखा भाई। वाह, किसका शेर है बेटा ये? आपको समय तो आ गई होगी आपको क्लियरली। दोबारा कहिए। ये खुद लिखा है? खुद है, खुद लिखा है? ऐसी है, आपने खुद लिखा है? कहाँ बैठ के लिखा है ये? ऐसी यार, क्या बात। ये आपने चाय की प्याली और सिगरेट की कोई बात हुई है? वही समझ में आया। कोई उर्दू में करके दिखाओ ये शेर। तू जो आदि निखड़े हैं चाहते कुछ कहनी, तू जो आगी, तुम कह रही हो कि निखड़े हैं। हाँ, ये बात तो समझाओ। कुछ नहीं है। अच्छा, लिख रहे हैं, हुआ कुछ उजड़ गई है, हुआ तो कुछ नहीं है। वाह, तेरे निखड़न के बाद मेरे को एक मेरी सिगरेट है, एक तेरी तस्वीर। वाह, हुआ कुछ नहीं है बेटा। जो आप ये जो मैंने ना इसमें सरेकी उर्दू और पंजाबी मिक्स किया, ऑफ कोर्स समझ तो आ गई होगी। मैं समझ आ गया, अब समझ में आ गया। मतलब मगर जो ये कुछ सिगरेट, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब सिगरेट पी सकते हैं, मतलब पीने के साथ साथ ये भी कर सकते हैं। सिगरेट हुआ कुछ नहीं है ना, क्या है? सिगरेट भी तो उसी की वजह से पिया ना, वो कह रहा कुछ नहीं हुआ। अरे पियो भाई, मेरी मेरे पैसों की पियो भाई, आपके लंगे अब पेपड़े पियो, फूको। नहीं मगर सही कह रहे हैं, साथ बड़ा, साथ साथ बड़ा देती है। मगर शायर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या होना था? सामने वाले कह रही है ना कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो मैं कह रहा हूँ मेरी दुनिया तो उजड़ गई है ना। अच्छा, आपके पास सिर्फ मेरे पास सिगरेट है और एक तेरी तस्वीर है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। मगर एक बात ऐड करूं, इश्क कभी हासिल नहीं होता तो भागना भी चाहिए ना, ऐसी समझे। इश्क अगर हासिल हो गया तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, वो इश्क नहीं रहता फिर। वो तो क्या रहता है फिर? वो नॉर्मल प्यार, शादी, ये वाले, वो इश्क की अगर अहमियत को समझना ना। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं। सर, वो ऐसे हमें अपनी बेगम से इश्क है। अच्छा, वो बाद में होता है ना, शादी के बाद वाला इश्क होता है। अभी कैमरे में उससे इंटरेक्ट करना मैम, हमेशा रहे जी, हमेशा रहे।